व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार क्या है? अक्सर हमने डेफिनेशन एक पढ़ी है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज इज कॉल्ड दी फॉरेन ट्रेड। आज भी इसी डेफिनेशन को देखेंगे और एग्जैक्ट हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है उसी को देखते हुए समझेंगे कि अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ तो इन चीज़ों को क्या हमें यहाँ पर कहना चाहिए। तो बेसिकली आते हैं सिंपल शब्दों में, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार का मतलब होता क्या है। विदेशी व्यापार की डेफिनेशन बनती है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस विद अदर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जब हम बात करते हैं कि अपने देश के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना या वस्तु और सेवाओं का व्यापार जब हम किसी दूसरे देश के साथ करते हैं तो इसे हम बोलते हैं विदेशी व्यापार। अक्सर आपने दो शब्द सुने होंगे, एक सेल और एक परचेज। ये अक्सर सुना होगा कि यार मैं बेचने जा रहा हूँ या मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। जब कभी भी फॉरेन ट्रेड की बात होती है तो ये दो टर्म हैं ये चेंज हो जाते हैं आपके एक्सपोर्ट में और इम्पोर्ट में। और ये दो शब्द का मतलब जानना जरूरी है और इन्हीं दो शब्द के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा। सबसे पहला वर्ड बनता है यहाँ पर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त एक तरीके से सेल करना। सिंपल शब्द, एक तरीके से क्या, एक्सपोर्ट मतलब सेल करना होता है। जब एक कंट्री अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, जब एक कंट्री, एक सिंगल कंट्री जब दूसरे देश को अपनी सर्विसेज को या यूं कहें गुड्स को सेल करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है सिंपल शब्दों में बेचना। और जब कभी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं और आने वाली चीज हम किस में लिखते हैं? प्लस में। मेरे शब्दों पर बड़े गौर करिएगा, एक एक शब्द सिंपल शब्दों में समझेंगे। जब एक देश दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जब कभी भी चीज़ों को बेचा जाता है तो बदले में क्या मिलता है? बदले में पैसा मिलता है और पैसे को हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस में। नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पर इम्पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेस करना। जब एक देश दूसरे देश से गुड्स या सर्विसेज को परचेस करता है, दैट इज कॉल्ड द इंपोर्ट। ये इंपोर्ट कहलाता है। और जब कभी भी हम कुछ परचेस करते तो हमारे पास से पैसा जाता है और जाने वाली चीज को हम किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। आने वाली चीज प्लस में, मतलब यहां पर हम बात करेंगे पैसे की। जो पैसा आ रहा है उसे प्लस में लिखेंगे और जो जा रहा है उसे माइनस में लिखेंगे। प्लस में मतलब हो गया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माइनस का मतलब हो गया हम यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये रहा, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्री इज कॉल्ड दी फॉरेन ट्रेड। वस्तु और सेवाओं का दूसरे देश के साथ व्यापार करना फॉरेन ट्रेड कहलाता है। यहां पर दो टर्म रहे, एक अपना रहा एक्सपोर्ट और दूसरा यहां पर टर्म निकल कर आता है इंपोर्ट। जब कभी भी एक्सपोर्ट की बात करते तो एक्सपोर्ट मतलब होता है सेल करना, मतलब जब एक देश दूसरे देश को वस्तु और सेवाओं को बेचता है तो हम इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश को वस्तुएं या सेवाएं, या एक देश दूसरे देश से वस्तुएं सेवाएं खरीदता है तो इसको हम बोलते हैं यहां पर इंपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब भी क्लियर हो गया, इंपोर्ट मतलब भी यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है इसकी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि हवाई फायर चल रही कहीं पर भी इसको नोट डाउन नहीं किया जाता होगा। प्रॉपर कहीं ना कहीं ये देखा जाता होगा कि हमने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इतने का एक्सपोर्ट किया है, इतने का इंपोर्ट किया, मतलब इतने का हमने एक्सपोर्ट किया माल बेचा है और इतने का माल हमने यहां पर इंपोर्ट किया, या यूं कहें वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया है, वस्तुओं को सेवाओं को यहां पर कह सकते हैं, सर्विसेज किसकी भी किसी की भी बात कर ले, उनको खरीदा है या बेचा है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटिंग तो होती होगी ना, किसी ना किसी अकाउंट में तो होती होगी। और उसी को हम यहां पर देखेंगे कि जिस अकाउंट में ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेखा जोखा किया जाता है या अकाउंटिंग की जाती है उस अकाउंट को हम कहते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड वो क्लियर हो गया, एक्सपोर्ट क्लियर हो गया, इंपोर्ट क्लियर हो गया। अब इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो एक देश दूसरे देश के साथ करता है इसकी ट्रेडिंग बेसिकली इसकी जो अकाउंटिंग रहती है वो रहती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं भुगतान संतुलन खाता। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक अकाउंट है जिसके अंतर्गत एक देश अपने देश में होने वाले, अपने देश से दूसरे देश में होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेखा जोखा करता है। एक सवाल जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है ये प्रिपेयर कौन करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। हर देश का जो, हर कह सकते हैं कि हर देश का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करें तो अपने देश की बात करें तो ये कौन प्रिपेयर करेगा? इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा।
अब यहां पर मैं आपसे बात करूं, जो ये यही यही अक्सर एग्जाम का सवाल बनता है और पूछ लिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाता कौन है, तो आंसर बनता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। ऑप्शन मिल सकता है मे बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन में आपको मिल सकता है नीति आयोग। कौन बनाता है, तो आंसर बनेगा अपना सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रैक्टिकली तौर पर बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक एक करके आते हैं उनको वन बाय वन यहां पर डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट की बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसे टू पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एक एक करके दोनों को ही यहां पर हम डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट को भी फर्दर टू पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फॉरेन ट्रेड की, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड दी, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्री इज कॉल्ड दी फॉरेन ट्रेड। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दूसरे देश के साथ कहलाता है विदेशी व्यापार। तो यहां पर जो विजिबल पोर्शन है यहां पर अपना गुड्स आएगा, एंड इनविजिबल की बात करें तो यहां पर सर्विसेज रहेंगी। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देन फिर लास्ट में आएंगे यहां पर एक चीज डिस्कस करने के लिए, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ करेंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सीएडी अपना क्या होता है, और इसको कम करने के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए। अब बड़े गौर से सुनिएगा, विजिबल में अपना आता है गुड्स। अब गुड्स का यहां पर दो चीजें होती होंगी, एक एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे, अमाउंट यहां पर रखेंगे एक कोई भी मानकर, ठीक है, उसके देन फिर हम समझेंगे पूरे के पूरे इस प्रोसेस को। अब करंट अकाउंट को हमने देखा था कि सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखे, उसमें दो पार्ट्स हो गए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को टू पार्ट्स में फर्दर बाइफरकेट किया, विजिबल एंड इनविजिबल में। विजिबल की बात करें तो विजिबल में अपना गुड्स आता है, और गुड्स के केस में अपने देश की बात करें तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम वस्तुओं को बेचते भी होंगे और खरीदते भी होंगे, मतलब एक्सपोर्ट मतलब हम सेल भी करते होंगे, और इंपोर्ट मतलब परचेज भी करते होंगे। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल करने वाली चीज़ को हम किस में लिखेंगे, प्लस में। एक्सपोर्ट किया तो पैसा हमारे पास आया होगा, इंपोर्ट किया तो चीज़ हमारे पास से गई होगी, मतलब कि एक तरीके से इंपोर्ट किया, दूसरों से वस्तु हमने खरीदी तो हमारे पास से पैसा गया होगा माइनस में। अपने देश की बात करें तो एक बात मेरे को बताइएगा, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं हम, अगर इसके अलावा क्रूड ऑयल के भी अलावा बात करें तो आर्म्स वेपन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने यूएसए से भी हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, तो उस केस में नॉर्मल बात करें तो हम जितने भी कह सकते हैं कि आर्मी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ज़्यादा है। क्रूड ऑयल की बात करें, अदर कंट्रीज में हम डिपेंडेंट ज़्यादा है। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो जो गुड्स की बात करें तो गुड्स का हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। माना हमने यहाँ पर, माना हमने, ये तो सभी के क्लियर होना चाहिए कि गुड्स के केस में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। हमने यहाँ पर दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया 500 करोड़ का, 500 करोड़ का इंपोर्ट किया, मतलब हमारे, हमने जब इंपोर्ट किया तो मतलब माइनस में हमारे अकाउंट से, हमारे पास से गए कितने, 500 करोड़ रुपए। उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो हमने दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया 200 करोड़ का, 200 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, मतलब 200 करोड़ मतलब 200 करोड़ हमारी जेब में आ गए। यूं भी कह सकते हैं कि हमने बेचा है 200 करोड़ का और खरीदा है 500 करोड़ का। तो ओवरऑल इस वाले सेक्शन में आप देखते हैं तो आपको माइनस 300 करोड़ दिखेगा, और इसको हम यहां पर नाम दे देते हैं डेफिसिट। मतलब यहां पर कहने का यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट है उसमें विजिबल सेक्शन हमारा, मैं देश की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बट डेफिसिट ही शो होता है, और इस सेक्शन में हमें डेफिसिट देखने को मिलता है क्योंकि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ज्यादा है। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट, और इंपोर्ट हमने यहां पर किया 500 करोड़ रुपए का, मतलब हमारी जेब से पैसा चला गया 500 करोड़ रुपए, हमने इसे माइनस में लिखा और हमारे पास आया कितना, 200 करोड़ रुपए आया एक्सपोर्ट करने के बाद। तो हमारा ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें क्या शो करता है, डेफिसिट शो करता है, और कितना शो कर रहा है यहां पर, माइनस 300 करोड़ रुपए यहां पर शो कर रहा है। क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का करंट अकाउंट सेक्शन, उसमें भी जो विजिबल होता है, विजिबल मतलब गुड्स और वस्तुओं का हम दूसरे देशों से कह सकते हैं इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए यहां पर जो बैलेंस होता है वो बैलेंस हमारा नेगेटिव शो होता है, मतलब हमारा डेफिसिट बैलेंस दिखाता है करंट अकाउंट के विजिबल सेक्शन में। नेक्स्ट बात यहां पर करते हैं इनविजिबल की। इनविजिबल को फर्दर थ्री पार्ट्स में हमने यहां पर बाइफरकेट किया है, सर्विसेस, इनकम एंड ट्रांसफर।
सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर। अब एक ही करके देखते हैं इन तीनों ही केसेस में विजिबल में जो इनविजिबल है उसमें बैलेंस कैसा रहता है। देखिए अपने देश की बात करें तो हम सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर हम एक्सपोर्ट भी करते होंगे और यहां पर हम इंपोर्ट भी करते होंगे। अगर हम वस्तुओं की बात करते तो वस्तुओं के केस में तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है बट एक्सपोर्ट सर्विसेज के केस में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है। हम मतलब इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। माना मेरे दोस्त यहां पर हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो 40 करोड़ रुपए का किया है, मतलब आया कितना हमारे पास से 40 करोड़ रुपीस, गया कितना हमने यहां पर 20 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। तो यहां का जो हमारा बैलेंस रहता है वो बैलेंस हमारा प्लस में शो करता है, मतलब 20 करोड़ रुपए यहां पर प्लस में दिखा रहा है। मैं लास्ट में इस वाले पॉइंट पर आऊंगा करंट अकाउंट डेफिसिट पे, तो मैं रटा नहीं सकता, मुझे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देके ही समझाना पड़ेगा। तो बड़ा प्रैक्टिकल होकर समझिएगा, जो हमारा अगर इस पर गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो वहां पर आपको यही दिखेगा कि जो करंट अकाउंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट वाला सेक्शन और जिसमें विजिबल है ये नेगेटिव ही शो करता है, ये जो बैलेंस है वो डेफिसिट ही दिखाता है। रीजन रहता है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के कंपैरिजन में कम है। बट सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज जो हम दूसरे देशों को दे रहे हैं वहां पर कहा जाता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं सर्विसेज का एज कंपेयर टू इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट माना यहां पर किया 40 करोड़ का और इंपोर्ट किया 20 करोड़ का, गया कितना अपने पास से 20 करोड़ रुपए, आया कितना अपने पास से 40 करोड़ रुपए अपने पास आया। तो कुल मिलाकर जो इसमें ओवरऑल बैलेंस शो कर रहा है वो मेरे दोस्त क्या शो कर रहा है, यहां पर आपका यह सरप्लस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, यह आपका सरप्लस शो कर रहा है। दूसरे सेक्शन की यहां पर बात करते हैं, दूसरा सेक्शन आपका यहां पर मैं चलूंगा सबसे पहले यहां पर ट्रांसफर की तरफ। पहले यहां पर हम ट्रांसफर देख लेते हैं कि ट्रांसफर रिलेटेड क्या है। अब ट्रांसफर का मतलब क्या, बड़े गौर से सुनना। हमारे जो भाई बंधु हैं वो विदेशों में जाते हैं, सर बिल्कुल जाते हैं। अब वो विदेशों में गए तो वहां से वो पैसे भी ट्रांसफर करते होंगे, इस पैसे को हम बोलते हैं रेमिटेंस। एक बात आपको मैं बता दूं, अपने इंडियंस की बात करें तो हर देश में अपने इंडियंस हैं और जो रेमिटेंस की रैंकिंग आती है उसमें इंडिया हमेशा टॉप पर रहता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अगर कोई जाता है विदेशों में तो वो इंडियंस ही जाते हैं। अब सोचिए यूएसए की बात करें, इंडियंस ज़्यादा है, रशिया में इंडियंस ज़्यादा है, तो जो दूसरे देशों में इंडियंस ज़्यादा है एस कंपेयर कि उन देशों के नागरिक हमारे देशों में आ रहे हैं। हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हमारे जो लोग हैं दूसरे देशों में जा रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, क्या उन देशों के लोग भी उतनी ही नंबर्स में हमारे देश में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर कहा जाता है कि जो दूसरे देशों में हमारे भारतीय जा रहे हैं उनका नंबर्स ज्यादा हैं और वो हमारे देश में पैसे ट्रांसफर करते हैं, अपने फैमिलीज को यूं कह सकते हैं, अपने घर को परिवार को सबको ट्रांसफर करते होंगे। हमारे यहां पर डोनेशन आता है और कह सकते हैं जो गिफ्ट एंड एवरीथिंग जो भी अमाउंट यहां पर आता है ट्रांसफर के रूप में, तो जो ट्रांसफर के रूप में अमाउंट आता है वो यहां पर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू जाने के। तो बड़े गौर से सुनिएगा, तो यहां पर ट्रांसफर हमारा कितना आया, सर मानना यहां पर 40 करोड़ रुपीज का ट्रांसफर आया। सिंपल सा यहां पर लॉजिक समझना, जो हमारे देशी हैं, जो हमारे भारतीय हैं वो विदेशों में ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज के नागरिक हमारे देशों में यहां पर आ रहे हैं काम करने के लिए। तो जो हमारे देश के लोग हैं जो विदेशों में जाएंगे तो मेरे दोस्त यहां पर पैसे ट्रांसफर भी तो करेंगे, जब ज्यादा नंबर्स में जाएंगे तो ट्रांसफर भी ज्यादा आएगा, आया कितना 40 करोड़ रुपए। दूसरे देशों के नागरिक कम नंबर्स में एज कंपेयर टू इंडियंस यहां पर कम नंबर में है तो जाएगा भी यहां से कम, कम नंबर में जब आएंगे तो कम नंबर्स में ही यहां पर जाएगा। मानकर चलते हैं 20 करोड़ रुपए यहां से गया, तो ओवरऑल यहां का अगर आप बैलेंस देखते तो ये कितना शो कर रहा है, 40 करोड़ रुपीस मेरे दोस्त यहां पर प्लस में शो कर रहा है। और प्लस में शो करने का मतलब हो गया यहां पर ये आपका मेरे दोस्त सरप्लस है। गवर्नमेंट का डेटा भी ये शो करता है कि जो सर्विसेज की बात करते हैं इनविजिबल सेक्शन में वो आपका सरप्लस शो करता है। इनविजिबल में जो सर्विसेज है वो आपका सरप्लस शो करता है ये वाला पोर्शन, एंड इस पोर्शन की बात करें ट्रांसफर की तो ये भी आपका मेरे दोस्त सरप्लस शो करता है। और इधर अगर विजिबल की जाते हैं तो विजिबल वाला जो सेक्शन है ये अपना डेफिसिट शो करता है। अब अपना बचता है एक सेक्शन जो कि है इनकम का। अब इनकम की बात करें तो इनकम को भी तीन पार्ट्स में हम यहां पर देखेंगे, वन बाई वन एक एक करके देख लेते हैं तीनों ही पार्ट्स को। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे इनकम में प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का मतलब क्या है, अब जैसे कि मेरे दोस्त यहां पर हमारे ही किसी इंडियन कंपनीज की बात कर लेते हैं, अब इंडियन कंपनीज किसी फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री में जाती हैं और वहां पर अपना सेटअप लगाती हैं, अब उन्हें प्रॉफिट होगा सर, होगा पॉइंट नंबर वन। अब उन्हें यहां वहां पर इनकम भी हो रही है, इनकम हो रही है। उसके अलावा हो सकता है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो इन टर्म्स ऑफ शेयर, अब उनको उन शेयर्स पे क्या मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, क्या इंडियन कंपनीज विदेशों में ज्यादा है या इंडियन कंपनीज का विदेशों में ज्यादा है या विदेशी कंपनियां इंडिया में ज्यादा है,
या इंडियंस विदेशी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या विदेशी इंडियन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे दोस्त बड़े गौर से सुनिएगा, इंडियंस जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कम है। अब सोचना, विदेशों में जब वो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब इन्वेस्टमेंट किया, जब विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, या प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, व्हाटएवर, ये इनकम नहीं, इसे इंटरेस्ट याद रखना है आपको। जब हमने विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया तो विदेशों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर, तो जो डिविडेंड मिलेगा, जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे मेरे दोस्त तो डिविडेंड भी मेरे दोस्त कम आएगा। बड़े गौर से सुनिएगा, जैसे इंडियंस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैंने यूएसए की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे जैसे दो लोगों ने और इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दिया। अब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हम इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न भी लेकर आ रहे होंगे। सर बिल्कुल, रिटर्न लेकर आप आ रहे होंगे, रिटर्न के रूप में आपको डिविडेंड मिल रहा होगा। हम जैसे लोग कितने हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले, 1, 2, 3, 4, बट विदेशी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। चाइना की कंपनीज भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी कह सकते हैं कि दूसरे देशों की जो कंपनीज हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब इंडियाज में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है या वो दूसरे देश इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बदले में वो इनकम के रूप में भी ले जा रहे हैं, प्रॉफिट के रूप में भी ले जा रहे हैं, और वो डिविडेंड के रूप में भी पैसा ले जा रहे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा विदेशों से आ रहा है तो वो प्रॉफिट भी यहां से डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में पैसा ज्यादा ले जा रहे हैं। तो यहां की हम बात करते हैं, जाता यहां पर ज्यादा है और आता यहां पर मेरे दोस्त कम है। गया कितना, 40 करोड़ रुपए, आया कितना, 20 करोड़ रुपए। तो यहां का जो बैलेंस आपका शो करता है वो डेफिसिट शो करता है। तो देखिए यहां पर डेफिसिट शो कर रहा है कितने रुपए, 20 करोड़ रुपए यहां पर डेफिसिट शो कर रहा है। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि हम अगर लोन की बात करते हैं, लोन वाला पोर्शन तो आप जानते हैं, एडीबी की बात करें, आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, अदर कंट्रीज की बात करते हैं, चाहे अभी हम और देशों की बात करें, बहुत सारे देशों से हम लोन के रूप में पैसा भी लेते हैं। जब मेरे दोस्त पैसा हमने लिया है लोन के रूप में, तो बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाला पोर्शन देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सोचिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री है और हम लोन के रूप में पैसा ले रहे हैं, तो हमें बदले में इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। सर बिल्कुल पे करना पड़ेगा। अब मेरे ध्यान से, बड़ी गौर से बात को सुनिएगा, हम लोन लेते ज्यादा हैं कि देते ज्यादा हैं? सर ये क्या बात कर दी, ये तो हम सभी को पता है कि हम लोन देने के कंपैरिजन में लेते ज्यादा हैं। सोचिएगा, जब हमने लोन ज्यादा लिया तो उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? गया कितना इंटरेस्ट, मानकर चलते हैं एक नॉर्मल अमाउंट मान लेते हैं, 40 करोड़ रुपए इंटरेस्ट गया। अब हमने लोन दिया कितना था, सर लोन दिया कम था, तो इंटरेस्ट मिलेगा भी क्या, कम मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिला कितना, 24 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर यहां पर हमारी जेब से और कितना, मतलब माइनस में बैलेंस क्या शो कर रहा है, 20 करोड़ रुपए का बैलेंस शो कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो यहां पर जो विजिबल वाला सेक्शन है ये कितना डेफिसिट शो कर रहा है, ये डेफिसिट शो कर रहा है मेरे दोस्त यहां पर आपका -300 करोड़ रुपए। यहां से हमारा अमाउंट निकल कर आएगा पूरा का पूरा और सारी चीजें एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में करंट अकाउंट डेफिसिट अपना है क्या। विजिबल की बात करें तो मेरे दोस्त यहां पर विजिबल अपना शो कर रहा है -300 करोड़ रुपए। इनविजिबल में आप देखिए यहां का सरप्लस कितना है, सर यहां का जो सरप्लस है वो 20 करोड़ रुपए है, ठीक है। और यहां का जो डेफिसिट है, यहां का जो डेफिसिट है मेरे दोस्त वो अपना -20 करोड़ रुपए है, और यहां का जो सरप्लस है, जो ये ट्रांसफर वाला है, यहां का सरप्लस है 20 करोड़ रुपए। तो आप ओवरऑल अगर देखते हैं तो ओवरऑल आपको पता चलेगा इस वाले सेक्शन में ओवरऑल आपको क्या रहता है, ये 20 करोड़ से 20 करोड़ कट गया, तो आपको इनविजिबल में प्लस का सरप्लस शो कर रहा है आपका 20 करोड़ रुपए। तो मतलब कहने का ये लॉजिक रहता है कि आपका जो विजिबल सेक्शन है वो विजिबल सेक्शन तो हमें डेफिसिट शो करता है और इनविजिबल सेक्शन हमें हमारा सरप्लस शो करता है। बट इसका इतना सरप्लस नहीं है कि ये जो डेफिसिट है इसको सेट ऑफ कर दे। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर निकल कर क्या आता है, आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट निकल कर कितना है, करंट अकाउंट में क्या आ रहा है, ओवरऑल डेफिसिट आ रहा है। कैसे, विजिबल में आपका कितना शो कर रहा है मेरा दोस्त, विजिबल में आपका यहां पर जो अमाउंट शो कर रहा है माइनस का 300 करोड़ रुपए, और इनविजिबल में आपका कितना अमाउंट शो कर रहा है यहां पर, प्लस का शो कर रहा है यहां पर 20 करोड़ रुपए। तो आप देखते हैं तो कुल मिलाकर यहां पर आपको क्या शो करेगा, माइनस का 280 करोड़ रुपए यहां पर शो कर रहा है। ये अपना बनता है ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। एक बात बड़े गौर देखिए, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वाला सेक्शन अपना विजिबल रहा था, विजिबल मतलब गुड्स की हमने यहां पर बात की। गुड्स का हम दो काम करते हैं, एक एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट। हमारा देश दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ज्यादा, इट मींस हम कह सकते हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इंपोर्ट ज्यादा करने का मतलब ये रहा कि हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, और जब खरीदेंगे ज्यादा और बेचेंगे कम तो बैलेंस क्या शो करेगा मेरे दोस्त,
बैलेंस क्या करेगा, हमारी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा तो हमारा यहां पर डेफिसिट ही शो करेगा, और कितना शो कर रहा है, -300 करोड़ रुपए। देन फिर हम इनविजिबल वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखा कि इसके तीन पार्ट्स यहां पर रखे, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। सर्विसेज की बात करें तो हम सर्विसेज में दूसरे देशों को सर्विसेज बेच ज्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका जो पार्ट है वो 20 करोड़ रुपए हमें यहां पर सरप्लस शो कर रहा है। और देन फिर हमने देखा ट्रांसफर की, हमारे जो भारतीय विदेशों में जाता है तो ट्रांसफर के रूप में पैसे ज्यादा भेजते हैं क्योंकि नंबर सुनके ज्यादा इस कंपेयर टू कि विदेशी हमारे देशों में यहां पर है, तो यहां पर ट्रांसफर ज्यादा आया तो हम कह सकते हैं रेमिटेंस के मामले में भी हम टॉप पर है, तो मतलब ये वाला सेक्शन भी हमें प्लस शो कर रहा है। मतलब कितने रुपए, 20 करोड़ रुपए यहां पर ये प्लस में शो कर रहा था। अपना ओवरऑल बात करें तो ये 20 करोड़ रुपए यहां पर, ये आप ये 40 नहीं है, 20 करोड़ रुपए यहां पर प्लस में शो कर रहा था, और यहां पर भी हमारा 20 करोड़ रुपए ये प्लस में शो कर रहा था। और इनकम वाले सेक्शन की बात करें तो यहां पर मैंने तीन फैक्टर आपको बताए कि जो इंडियंस हैं वो विदेशी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर, तो डिविडेंड के रूप में पैसा मिल रहा है, इंडियन कंपनीज विदेशों में जाते हैं तो प्रॉफिट के रूप में पैसा ला रही हैं, और जो हम लोन ले रहे हैं उसकी इंटरेस्ट के फैक्टर की हमने बात की। तो तीनों ही बातों में हमने ये देखा कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जो हम कंपनीज विदेशों में सेटअप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया में विदेशी कंपनी ज़्यादा है, और जो हम लोन दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम लोन ज़्यादा ले रहे हैं। तो तीनों को फैक्टर को आप देखते हैं तो ओवरऑल हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो हमें डेफिसिट शो करेगा। बट इसका डेफिसिट और इस पूरे इनविजिबल को निकालते हैं तो हमारा जो सरप्लस निकल कर शो करता है, मतलब सर्विसेज और ट्रांसफर का बैलेंस हमारा जो डेफिसिट है, मतलब जो इनकम वाले डेफिसिट है, इसको सेट ऑफ कर देता है। तो ओवरऑल जो इनविजिबल वाला सेक्शन है वो हमारा सरप्लस शो करता है। बट मेरे दोस्त, इसका सरप्लस इतना ज्यादा नहीं है, इसमें इतना सरप्लस नहीं है कि ये विजिबल वाले सेक्शन को सेट ऑफ कर दे, विजिबल वाले सेक्शन को यहां पर सेट ऑफ कर दे। तो इसका रिटर्न होता क्या, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, रिजल्ट निकल कर आता है कि ओवरऑल मिलाकर यहां पर -300 करोड़ शो करता है, यहां पर प्लस का 20 करोड़ शो करता है, तो मेरे दोस्त यहां पर ओवरऑल मिलाकर माइनस का 280 करोड़ रुपए क्या शो कर रहा है, डेफिसिट यहां पर शो कर रहा है। किसमें डेफिसिट, करेंट अकाउंट में डेफिसिट। सर किसमें डेफिसिट, करेंट अकाउंट में डेफिसिट, इसी को बोलते हैं हम चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। आई होप सो गाइस अब क्लियर हुआ होगा कि करेंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। अब करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो सरकार क्या करेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर कम करना है तो सरकार क्या करेगी, मेक इन इंडिया। आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना ज्यादा मेक इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है, कि आप एक काम करिए, इंपोर्ट को कम करिए और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दीजिए। अगर इंपोर्ट को आप कम करते हैं, 500 करोड़ से इंपोर्ट को कम करते हैं, और एक्सपोर्ट को मेरे दोस्त बढ़ाते हैं 200 करोड़ से 300 करोड़ करते हैं, तो ओवरऑल आपका जो विजिबल वाला सेक्शन है वो आपका कम होता चलेगा, मतलब कि एक तरीके से डेफिसिट कम होता चलेगा धीरे धीरे, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहां पर कम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, यही एग्जाम का सवाल बनता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो गुड्स की बात करते हैं उस रिस्पेक्ट में ओवरऑल बात करें तो एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इंपोर्ट वाले पोर्शन को हम यहां पर रिड्यूस करेंगे। देन फिर हम रिजल्ट देख सकते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट अपना निकल कर आता है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को हमने करंट अकाउंट और बाय कैपिटल अकाउंट में बायफर्केट किया। कैपिटल अकाउंट, अभी करंट अकाउंट हमने पूरा पढ़ लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट समझ लिया, नेक्स्ट पार्ट बनता है अपना कैपिटल अकाउंट। आते हैं और इसे बड़े सिंपल शब्दों में यहां पर समझते हैं। अभी हमने करंट अकाउंट देखा था, देन हम देखेंगे यहां पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के भी यहां पर तीन कंपोनेंट हैं, और तीन कंपोनेंट में एक है इन्वेस्टमेंट, अनदर वन इज ए लोन, एंड थर्ड वन इज द बैंकिंग कैपिटल। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बड़े गौर से सुनिएगा एक चीज। अभी हमने देखा था करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में रहा था डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात की थी हमने, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को टू पार्ट्स में बायफर्केट किया था, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और हमने ये देखा कि करंट अकाउंट में अपना क्या चल रहा है, घाटा यहां पर चल रहा है। देन फिर हम आते हैं यहां पर कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में डिस्कस करेंगे हम यहां पर इन्वेस्टमेंट एंड लोन एंड बैंकिंग कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब एक बात मेरे से सिर्फ आपसे इतनी पूछनी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं या इंडियंस विदेशों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके नंबर्स यहां पर ज्यादा हैं, मतलब जो विदेशी हैं वो इन टर्म्स ऑफ एफडीआई के रूप में या एफआईआई के रूप में यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, एज कंपेयर टू इंडियंस उन देशों में एफडीआई और एफआईआई के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां की डेफिनेशन कुछ और होगी, बट हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो विदेशी हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्यादा, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें एफडीआई और एफआईआई के रूप में कर रहे हैं, और यहां से जो इन्वेस्टर हैं वो दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मानकर चलते हैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, मान नहीं रहे, यहां पर सिंपल समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट आता ज्यादा है और जाता
कम है। इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है यहां पर हम प्लस में शो करते हैं आने वाली चीज को, और जाने वाली चीज को हम यहां पर माइनस में शो करते हैं, और यहां का जो बैलेंस शो करता है वो सरप्लस शो करता है। सर ऐसा क्यों है, सरप्लस क्यों शो करता है? अगर यहां पर सरप्लस शो कर रहा है इसलिए तो मेरे दोस्त करेंट अकाउंट में जो दो सेक्शन थे, एक विजिबल और एक इनविजिबल, इनविजिबल में हमने यहां पर देखा था सर्विसेस इनकम एंड ट्रांसफर, इनकम वाला सेक्शन में हमने यहां पर देखा था प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। यहां पर डिविडेंड की बात करें तो यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर विदेशियों का ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा है तो रिटर्न के रूप में, डिविडेंड के रूप में पैसा भी तो ज्यादा ले जा रहे हैं, पैसा भी तो वो यहां से ज्यादा लेकर जा रहे हैं, तो तभी तो यहां पर जो बैलेंस आ रहा था डेफिसिट शो कर रहा था। तो ओवरऑल कहने का मेरा पर्पज ये है कि जो ये कैपिटल अकाउंट और इसका सेक्शन एक इन्वेस्टमेंट बनता है उसमें विदेशियों का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो कि विदेशियों का हमारी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडियंस का विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। जिस वजह से क्या होता है कि यहां का जो बैलेंस होता है वो हमारा सरप्लस शो करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पर आया पैसा ज्यादा और गया मेरे दोस्त यहां पर कम। नेक्स्ट बात करते हैं लोन की। लोन के सेक्शन में तो मेरे को लगता नहीं ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है, चाहे मैं यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, चाहे मैं कंपनीज की बात करूं, कॉर्पोरेट की बात करूं, दोनों ही दूसरे देशों से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, वर्ल्ड बैंक, IMF, जितने भी बैंक्स हैं उनसे लोन ले रहा है, AIIB की बात करें, NDBC बात करें या अदर कंट्रीज से लोन लेता है, क्या उसी ही रेस्पेक्ट में उतना ही अमाउंट क्या वो लोन के रूप में दूसरी कंट्रीज को, अपने आसपास के पड़ोसी मुल्क वगैरहों को प्रोवाइड करता है? हाँ माना मेरे दोस्त लोन देता है, क्या उतना ही लोन देता है? नहीं, यहां पर कह सकते हैं कि लोन के रूप में पैसा आता ज्यादा है और जाता कम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और जो कंपनीज होती हैं, जो कॉरपोरेट होते हैं, दूसरे देशों से पैसा उठाते हैं, वहां की मार्केट से पैसा उठाते हैं और वहां से पैसा लेकर ज्यादा आते हैं, क्या इंडियंस लेकर तो ज्यादा रहे, क्या विदेशी यहां पर जो विदेशी कह सकते हैं कंपनीज वगैरह होती हैं, क्या वो इंडियन मार्केट से इतना लोन के रूप में पैसा लेकर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लेकर जाते हैं बट इस रेशियो में वो कम रहता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये रहा कि ओवरऑल इस सेक्शन की भी अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त इस सेक्शन में भी आपका क्या शो करता है, इस सेक्शन में भी आपका सरप्लस शो करता है। ये वाला जो पोर्शन रहा यहां पर भी सरप्लस शो कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन रहता है इन्वेस्टमेंट यहां पर भी, मतलब लोन के केस में पैसा आ रहा ज्यादा है और जा रहा कम है। कॉर्पोरेट की बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करते, दोनों ही पैसा लोन के रूप में लेकर ज्यादा आ रहा है और जा रहा कम है। यहां पैसा ज्यादा आ रहा है, उसी का तो रीजन है यहां पर मेरे दोस्त डेफिसिट शो कर रहा था। याद है ना, ये इंटरेस्ट वाला सेक्शन लोन के रूप में गवर्नमेंट पैसा ज्यादा ला रही है, तो लोन के रूप में जब पैसा ज्यादा आएगा तो इंटरेस्ट के रूप में भी तो पैसा यहां से जा रहा था। याद करिए ये वाला सेक्शन, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि जो इनकम वाला पोर्शन है इसमें प्रॉफिट इंटरेस्ट और डिविडेंड समझाया था ना, इंटरेस्ट समझाया था, क्या बोला था, लोन के रूप में पैसा गवर्नमेंट लेकर ज्यादा आती है, जाता कम है, तो इंटरेस्ट के रूप में भी पैसा ज्यादा आता है। इस वजह से ये वाला जो सेक्शन है हमारा क्या शो करता है, डेफिसिट शो करता है। तो ओवरऑल ये वाला पोर्शन हमारा सरप्लस शो कर रहा है, ये वाला पोर्शन सरप्लस शो कर रहा है। अब बैंकिंग कैपिटल की बात करते हैं। जितने भी कह सकते हैं कि जो इंडियंस विदेशों में है या यूं कहें विदेशी हमारे इंडियंस बैंक में अपने अकाउंट खोलते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा यहां पर जमा करते हैं, अब यहां पर भी जो पैसा डिपॉजिट होता है वो ज्यादा डिपॉजिट होता है, और मतलब कहने का है कि जो विदेशों से पैसा हमारे बैंक्स में जमा हो रहा है वो डिपॉजिट के तौर पर ज्यादा होता है, और यहां से जो फॉरेन बैंक में पैसा जा रहा है माइनस में वो मेरे दोस्त कम जाता है। अगर आप देखें नॉर्मल तो आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें कि स्विस बैंक वगैरह या दूसरे भी बैंक हैं उनमें पैसा जमा होता है, बट वो हमारा एक नंबर में पैसा जमा नहीं होता है। हम यहां पर बात करें कि जेन्युइन जो बात किया जाए, जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट शो किया जाए, यहां हमारे यहां पर बैंक्स में इतना डिपॉजिट हुआ विदेशों से और विदेशी बैंकों में हमारे यहां से इतना डिपॉजिट हुआ, तो ओवरऑल बात करें तो यहां का भी जो बैलेंस होता है मेरे दोस्त सरप्लस शो करता है। जितने भी आपने अकाउंट सुने होंगे, बहुत सारे अकाउंट होते हैं फॉरेन करेंसी NRI अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट होते हैं जिनमें कि पैसा जमा होता है, और इसके कंपैरिजन में विदेशी बैंकों में जो अकाउंट होते हैं उनमें पैसा कम जमा होता है, मतलब आया ज्यादा और गया कम। तो ओवरऑल यहां का बैलेंस भी मेरे दोस्त सरप्लस शो करता है। तो ओवरऑल बात करें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा सरप्लस शो करता है, और इसी का सरप्लस होता है जो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो घाटा होता है, इसको सेट ऑफ करता है। ओवरऑल बात करें तो ये अपना यहां पर रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, फॉरेन ट्रेड अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक एक करके हमने सारी चीजों को बहुत सिंपल शब्दों में आपके सामने रखा। बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ग्रुप बैच परचेज करना है तो आप हमारे myshop.mahindras.org पे जा सकते हैं। वहां पर हमने और डिटेल में भी यहां पर डिस्कस किया है कि व्हाट अबाउट दी कंपनीज का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या है, और इवन FDI क्या है, FII क्या है, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो अकाउंट क्या है। बहुत
सारे ऐसे पोर्शन है जिसको कि हमने वीडियो ग्रुप में डिस्कस किया है। तो मेरे दोस्त बैंक, अगर आपको मेरा बैच परचेस करना है तो myshop.mahindras.org पे जाइए, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल जितने स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो ग्रुप के लिए स्पेशल ओनली फॉर बैंक जीए का ही सेक्शन चाहिए वो यहां पर कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर स्टूडेंट होते हैं तो स्पेशली आपके लिए यहां पर अलग से मेरे दोस्त बैंक का बैच भी लॉन्च किया जाए, इसमें कि जितने भी अपने लेक्चर्स हैं 30, 35, 40 जितने भी लेक्चर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अलावा अगर हम बात करें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, हर एक लेक्चर को बहुत डिटेल में, गवर्नमेंट स्कीम बहुत डिटेल में और सिंपल शब्दों में डिस्कस किया है। सेशन पसंद आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, इवन कोई डाउट हो तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।